चारधाम और हिमालयन का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला। चारों ओर खूबसूरत वादियों से घिरा ये प्राचीन शहर 409 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल। ये कहानी है कैपिटल ऑफ योगा ऋषिकेश की। Guys, this is story about I just completed beautiful trek of Uttarakhand, Kedarkhand and just come back to the Dehradun. उसके बाद मेरे पास दो दिन थे explore करने के लिए around Dehradun. तो I just choose कि मेरे जो bucket list में था वो था Rishikesh, the capital of yoga and चार धामों का जो प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो वो दो दिन थे मेरे पास जहाँ पे आप explore कर सकते हो bungee jumping, flying fox, giant swimming, hot air balloon और भी बहुत कुछ activities है। तो ये कहानी है दो दिन मेरे ऋषिकेश में। लेट्स स्टार्ट द जर्नी बिगिन। तो दिन की शुरुआत अपने हॉस्टल से निकलकर सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने की थी। जब तक ब्रेकफास्ट नहीं आता तब तक जो डेटा था कल का वो मैंने ट्रांसफर कर लिया। कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी लंबी लंबी दूरी। ऋषिकेश घूमने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है रेंटल बाइक। तो मैंने स्कूटी रेंटल कर दी और निकल पड़ा आज के डिस्टेंस की। कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी सफर अनजाना सा है रास्ता बेगाना सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो ऋषिकेश में सबसे पहले मैं एक्सप्लोर करूंगा आज जितना भी हो सके। सबसे पहले महादेव जी का दर्शन करने नीलकंठ जा रहा हूं और पीछे खूबसूरत सी नदी गंगा मैया और इन पहाड़ों के बीच में अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलो मैंने एक्टिवा रेंट पे ले लिया अभी निकलूंगा सीधा नीलकंठ महादेव की तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट जर्नी टुवर्ड नीलकंठ महादेव। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तपोवन ऋषिकेश से 21 किलोमीटर पर यह है नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली चीजें देवता और असुरों में बढ़ती गई लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला। इसे न देवता चाहते थे और न ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि को विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी थी जिससे संसार में हाहाकार मच गया था। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही थी और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया।
तो मैं हूँ अभी ऊपर मंदिर है पार्वती माता जी का और हनुमान जी का, तो वो भी दर्शन कर लिया। और नीलकंठ महादेव का मंदिर, ऊपर बहुत ही कम लोग आते हैं, कुछ ही लोग ऊपर जाते हैं जिनको पता है, तो मैंने वो भी दर्शन कर लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 12:40 और मैंने यहाँ पे तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लिए। अभी मैं जाता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो लेट्स गो। भूख तो लगी नहीं, अभी सुबह ने ब्रेकफास्ट कर लिया था अच्छे से, तभी देखते खाना अगर कहीं होगा तो खाएंगे, अदरवाइज फिर शाम को ही। चलो निकलते हैं। नीलकंठ महादेव एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंचता हूं दूसरा टूरिस्ट प्लेस नील वाटरफॉल। तो टाइम हो रहा है 4 और मैं आ चुका हूँ राम राइट बिहाइंड, ये है रामझूला। काफ़ी धूप है यार, मैं सुबह से घूम रहा हूँ और थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करूँगा और आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ सिनेमेटिक शॉट। यहाँ वहाँ सब नया नया सा, आई मजा सा अभी यही इस नए जहाँ का। देखो जरा के अंत में ऋषिकेश से सबसे पवित्र जगह मैं पहुंचता हूं त्रिवेणी घाट। तो अभी टाइम हो रहा है 5:50 और मैं आ चुका हूं त्रिवेणी घाट पे, तो यहां पे गंगा आरती अटेंड करूंगा। तो बस तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही भीड़ है और काफी काफी जगह है, बहुत ही बड़ा घाट है। जैसे ही आरती खत्म हुई भजन संध्या ने पूरा माहौल ही चेंज कर लिया।
डिवाइन आरती के साथ आज का दिन यहीं पे खत्म हुआ। The next day. So good morning guys. Good morning from Rishikesh. तो ये है मेरा जोस्टर। यहाँ पे मैं दो दिन से रुका हूँ और आज दिन की शुरुआत हो रही है और मैं निकल रहा हूँ टुवर्ड बीटल आश्रम और उसके बाद फिर रिवर राफ्टिंग भी बाकी रह गया वो करूँगा और उसके बाद दो तीन जगह है देखते हैं कहाँ एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं आज के दिन की। तो मैं आ चुका हूँ बीटल आश्रम और इसको राजा जी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं और भी कुछ नाम है कुछ कुटिया बोलते हैं मैं भूल गया हूँ। बट यहाँ से आपको पीछे जो ये पीछे दिख रहा है वहाँ पे आर्मी वाले हैं और वहाँ पे आपको इंडियन रुपीस 200 रुपीस इंडियन के लिए एंट्री फीस है। तो वहाँ पे सारे कैमरे एक कैमरा अलाउड करते हैं बाकी सब वहाँ पे जमा रखना पड़ेगा ड्रोन या कुछ अलाउड नहीं है। तो एंट्री फीस ले लिए और अभी चलते हैं ऊपर देखते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। लेट्स गो। तो इस तरह से कुछ कुटिया बनी हुई है और ये सारी मेडिटेशन के लिए। यहाँ से देखो ये सीढ़ियाँ हैं नीचे और यहाँ पे ये पूरा स्पेस है तो यहाँ पे मेडिटेट कर सकते हो। तो यहाँ ये सारी कुटिया मेडिटेशन के लिए यूज होती होंगी। तो अभी तो ऐसे अभिनंद है पूरा कुछ भी ट्रेनिंग जैसा है वैसा ही रखा है पूरा टूट फूट पे कोई रिनोवेशन नहीं है। बाकी यहाँ पे शांति बहुत है यार एकदम पीस जगह है। यहाँ पे बहुत सारी आर्ट्स है और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट ने उसको बनाया हुआ है लेकिन ऐसे ही एक आर्टिस्ट बनाते हुए मुझे दिख के जब तुझे तो सांसे चल उठी। बहुत सारी मेडिटेशन कुटियां हैं और जितनी भी कुटियां हैं सबको नंबरिंग किया हुआ है। जैसे मेरे पीछे यहाँ पे 105 लिखा हुआ है तो हर एक केव पे ऊपर नंबर लिखा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल है इतनी शांति इतनी पीस है यहाँ और पास में से रिवर का आवाज़ सुनने में आ रहा होगा। काफ़ी बड़ी जगह है यार काफ़ी पूरा दिन लग जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है पूरा आश्रम और बिल्डिंगें तो भाई ऐसी ऐसी हैं यू नॉट बिलीव यार लुक एट दिस।
जब बनाई होगी उस टाइम पे क्या ही बिल्डिंग होगी यार, कितनी ही शांति होगी इस आश्रम में। और ऐसे आश्रम मुझे हमेशा फैसिनेट करते हैं, यहाँ पे आना चाहिए अगर चालू होता है ये सारी चीज़ें तो। यहाँ पे आप 10-15 दिन आओ, मेडिटेट करो यार, कितना कुछ स्पीचलेस। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम देखा मैंने। अब जब ऋषिकेश आए और रिवर राफ्टिंग नहीं किया तो फिर ऋषिकेश आए ही क्यों? बीटल आश्रम के बाद जस्ट नीचे ही ये गंगा का किनारा है, ये दूसरी तरफ है और ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ गंगा के किनारे पे। और यहाँ आने के बाद जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसा लग रहा है जिंदगी पूरी रुक सी गई है। जिस गंगा ने हमें जन्म दिया है और लास्ट में इसी में बह जाना है, यही जिंदगी है, यही सत्य है। उठे रोज सुबह, चले वही रोटी कमाने, सांझ फिर आके सो गए, सुबह फिर उठे फिर चले रोटी कमाने, ऐसे ही आते जाते एक दिन समाप्त हो गए। पाया क्या, उपलब्धि क्या थी, हाथ क्या लगा, मृत्यु में जो बस सके वही सार्थक, ये मेरी सार्थक की परिभाषा। जिसको तुम मृत्यु में भी अपने साथ ले जा सको वही सार्थक है, और जो मृत्यु में तुम्हारे साथ न जाए, इसी तरफ पड़ा रह जाए, वो सार्थक नहीं। तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा, नाम पड़ा रह जाएगा, मित्र परिजन सब पड़े रह जाएंगे। तुम जब जाने लगोगे अकेले, उस वक्त क्या तुम ले जा सकोगे?